क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो कि भारत में नेशनल गेम ना होते हुए भी हम लोग मानते हैं कि वो नेशनल गेम जैसा ही है या फिर नेशनल स्पोर्ट जैसा ही है और हम लोग वैसे ही प्यार करते हैं क्रिकेट को। और क्रिकेट के दरबार में भारत का जो पत्ता है वो ऊपर की तरफ है, इसलिए हमें क्रिकेट देखने में मज़ा भी आता है। लेकिन क्रिकेट में बहुत सारे ऐसा रूल्स या फिर लॉज है जो हमें और आपको नहीं पता हुआ रहता है। वैसे ही और एक फैक्ट या फिर लॉ मैं आपके सामने आज लाया हूँ। मान लीजिए एक बैट्समैन रन लेते वक्त विकेट से टकरा जाए इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली या फिर किसी भी तरह, तो फिर क्या उसे हिट विकेट करार दिया जाएगा या फिर नहीं? और आप सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे इसके पीछे कुछ शॉकिंग से बातें। तो सब कुछ जानने के लिए जरूरी है मेरे साथ स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, हिट विकेट कब किया जाता है या फिर हिट विकेट कब करार दिया जाता है? जब कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो और बॉलर बॉल फेंकने के बाद बैट्समैन का कोई भी बॉडी पार्ट या फिर उनका कोई भी किट यानी पैड, ग्लव्स, कुछ भी अगर विकेट से टकराता है, मतलब बैटिंग करते वक्त वहां पर ही उसी साइड के विकेट पर टकराता है, तो उसे हिट विकेट करार दिया जाता है। याद रखेंगे ये तभी होगा जब बॉलर बॉल कर रहे हैं और बैट्समैन उसी ओर पे ही बॉल को खेलते हुए, तभी जब विकेट से टकरा जाता है बैटिंग एंड पे ही, तो ही हिट विकेट होता है, अदरवाइज हिट विकेट करार नहीं दिया जाता है। तो वो बैट्समैन अगर वहां पर हिट विकेट नहीं होता है या फिर मान लीजिए एक रन लेने की कोशिश करता है और दूसरे एंड पे जाकर हड़बड़ाहट में या फिर जल्दी जल्दी में बैट को विकेट के ऊपर गिरा देता है या फिर खुद के बॉडी विकेट के ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर क्या हिट विकेट होगा या फिर वो बंदा क्या आउट करार दिया जाएगा? सबसे पहले बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो बंदा हिट विकेट नहीं होगा, क्योंकि हिट विकेट तभी होगा जब बैट्समैन अपने शोर पे बैटिंग के दौरान कोई एक्ट हुआ हो या फिर एक्ट किया हो जिसके दौरान वहां पर जो स्टैंप पे बेल लगा हुआ रहता है वो गिर जाए, तभी हिट विकेट होता है। तो यहाँ पर हिट विकेट नहीं होगा तो क्या और दूसरा कोई आउट होगा? दोस्तों, यहाँ पर आउट होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी कुछ आपको जानना होगा। पहले मैं कुछ सिनेरियो बता देता हूँ। पहला सिनेरियो, मान लीजिए कोई बैट्समैन रन ले रहा है और बॉलर बॉल थ्रो कर रहे हैं और बैट्समैन मार दिया डाइव, बॉल आ रहा था दूसरे ओर से और बैट्समैन था दूसरी ओर पे, लेकिन अनइंटेंशनली उसका बैट जाके टकरा जाता है विकेट पे या फिर वो गिर जाता है विकेट पे या फिर उसका जो औजार है यानी पैड, ग्लव्स या फिर हेलमेट, उसे विकेट का बेल जो है वो गिर जाता है। दूसरा सिनेरियो, मान लीजिए रनिंग बिटवीन द विकेट के समय कोई बैट्समैन अगर देख पा रहा है कि सामने उसके कोई फील्डर मौजूद है, तो उसे अवॉइड करने के लिए अगर अनइंटेंशनली जाकर विकेट से टकरा जाता है, तो इस सिनेरियो में और पिछला जो मैंने पहला सिनेरियो बताया, इस दोनों ही सिनेरियो में आउट करार नहीं दिया जाएगा। लेकिन कोई बैट्समैन रनिंग बिटवीन द विकेट पे है और वो बैट्समैन देख रहा है कि बॉल आकर विकेट में हिट कर लेगा, तो वो ऐसे एंगल से रन करता है कि उसके बॉडी पे या फिर उसके बैट से बॉल टकरा कर चला जाता है और खुद भी जाकर विकेट से टकरा जाता है, या फिर विकेट से टकरा ना भी जाए तो इसे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड करार देते हुए आउट करा दिया जाएगा। या कभी कभार कोई प्लेयर अगर इंटेंशनली किसी विकेट के ऊपर गिर जाता है या फिर बेल गिरा देता है, तो मैच रेफरी और अंपायर मिलकर ये डिसीजन ले सकता है कि उसे आउट दिया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों, क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों, मुझे इंतजार है दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।